ओके बच्चों, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55 में सेलेनियम ऑक्साइड दिया हुआ है। सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में हम लोग जानते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जहाँ कहीं पर भी सी डबल बॉन्ड ओ बना हुआ है, उसके ठीक बगल वाला sp3 कार्बन पर जो अल्फा एच होता है, उसको ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर ये कार्बन पांच बॉन्ड बना लेगा। तो कहने का मतलब इस साइड पर जो है ऑक्सीडेशन करने वाले सी डबल बॉन्ड ओ में नहीं बदलेगा, ये इस वाले साइड को क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में बच्चों ड्यूटेरियम एक्सचेंज पर रिएक्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये ओडी माइनस क्या करेगा, सबसे पहला नंबर इस वाले साइड से हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये बनाएगा बच्चों CH2-। अब ये CH2- क्या करेगा बच्चों, ये जो ड्यूटेरियम है D2O है ना, वाटर, तो इससे ये क्या करेगा, इससे ये क्या करेगा बच्चों, ड्यूटेरियम कहने के लिए एसिड बेस रिएक्शन करेगा। और आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो फाइनली जो है ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH2D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर हम दोबारा अप्लाई करेंगे, अब आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा। देखिए कोई भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है तो हर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी बढ़ेगा वो, ठीक है, जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। देखिए पहले क्या था, ये CH3 के फॉर्म में था तो CH बॉन्ड था यहाँ पर, अब बाद में जो है ये CD फॉर्म में बदल गया है। और CD कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ में CD बॉन्ड जो है ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और चूंकि CD बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा। सेम वे में बच्चों, यहाँ से जो हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए तीन हाइड्रोजन यहाँ पर था और तीन हाइड्रोजन यहाँ पर था, तो ये जो OD माइनस है फिर से ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को फिर से निकालेगा और फिर वैसे ही कार्बन आयन बनाएगा, ठीक है, कार्बन आयन बनेगा, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है, ऑल हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CD3 एंड इन सिमिलर वे CH3 इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू CD3। समझ गए बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल वाले sp3 कार्बन के पास जितने भी अल्फा एच होंगे वो सारे के सारे ड्यूटेरियम एक्सचेंज में भाग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए D2O और OD माइनस एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि विच वन फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव द रेसिमाइजेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस। देखिए बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस का मतलब है कि H+ अगर आप प्रोटोनेट करेगा और प्रोटोनेट करने के बाद रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए किसी न्यूक्लोफाइल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। कहता है या तो आपको एसिड के प्रेजेंस की कौन सा कंपाउंड, ऐसा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है जो कि पहले से ही ऑलरेडी वो किसके फॉर्म में है, मतलब उसमें कायरल सेंटर मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप देखिए इन जैसे ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखते हैं बच्चों, तो ये वाला कार्बन जो है आपको कायरल के रूप में दिख रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ गए बात को। तो एसिड बेस, एसिड के प्रेजेंस में जैसे यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो ये वाला कंपाउंड जो है आपको कैसे दिखेगा, ठीक है, कायरल सेंटर मौजूद है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये आपको रेसिमिक मिक्सचर के रूप में मिलेगा। जबकि यहाँ पर देखिए ये बच्चों, कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है और यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। बैकमैन रीअरेंजमेंट पर आधारित पहले भी एक क्वेश्चन आया था। क्या होता है, सबसे पहला नंबर देखिए बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो NH2 का H2 है, ये क्या करेगा, डिहाइड्रेट करके ये फाइनली जो है ये कन्वर्ट होगा। मैं थोड़ा इस तरह से रिंग को बनाता हूँ, ये बनाएगा C डबल बॉन्ड NH बना देगा, ठीक है, NH।
अच्छा H2O तो निकल ही गया, ये बनाएगा बच्चों OH, और ये इधर से जो है इस तरह से यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ये H2SO4 दिया हुआ है, बेसिकली H2SO4 इसलिए दिया हुआ होता है ताकि ये प्रोटोनेट हो जाए। प्रोटोनेट होकर ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी पर खतरा आ गया, और H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा बच्चों तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसमें भी नाइट्रोजन देखिए यहाँ SP2 वाला है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये अनस्टेबल सिचुएशन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है एक रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट कैसे होता है बच्चों, तो देखिए इसको 1 और इसको 2 माने, तो ये जो दूसरे नंबर पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कुल मिलाकर 7 मेंबर रिंग आपको बना लेना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहीं पर नाइट्रोजन रख लेना है और इस तरह से हम 7 मेंबर रिंग अब बनाते हैं। ये देखिए हमने 7 मेंबर रिंग बना लिया, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बन गया। बॉन्ड देखिए हमने कहाँ से तोड़ा था, बॉन्ड हमने तोड़ा था दूसरे वाले से, तो दूसरे वाले पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन देखिए जहाँ पर पहला है फर्स्ट लिखा है हमने, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आएगा। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर H2O का अटैक होता है इस वाले कार्बन पर, ठीक है, जैसा कि आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट मालूम होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो H2O का अटैक होगा तो बच्चों यहाँ पर इस कार्बन पर जो है ना OH लग जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, टोटोमेराइज होगा, ठीक है, बाद में क्या होगा, टोटोमेराइज होकर जो है ये जो OH है ये C डबल बॉन्ड O और ये NH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। समझ में बात, टोटोमेराइज करके ये C डबल बॉन्ड O में इसलिए कन्वर्ट होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। देखिए बच्चों आयोडो फॉर्म टेस्ट के लिए क्या है, यहां पर देखिए पेंटेनॉन दिया हुआ है, नॉन दिया हुआ है, नॉन दिया हुआ है और नल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन है। तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए हर हमेशा आयोडो फॉर्म के लिए बच्चों, यहाँ पर देखिए मिथाइल कीटोन है ना, यदि कोई कंपाउंड मिथाइल कीटोन के फॉर्म में है, मिथाइल कीटोन के फॉर्म में है, कहने का मतलब है टर्मिनल पर यहाँ पर मिथाइल होना जरूरी है और दूसरे नंबर पर जो है सी डबल बॉन्ड ओ का होना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है आयोडो फॉर्म टेस्ट देता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है CH3CH2 और ये दिया हुआ है CHO, तो देखिए ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में नहीं देगा। ये देखिए 2 पेंटेनॉन है, 2 पेंटेनॉन का मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये देखिए 2 पेंटेनॉन हो गया, तो ये देगा क्यों, क्योंकि देखिए टर्मिनल में CH3 हो गया, दूसरे नंबर पर सी डबल बॉन्ड हो, ये वाला नहीं दे पाएगा। देखिए 3 पेंटेनॉन इस तरह से 4, 5 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ तो है लेकिन इसके ठीक बगल में मिथाइल ना होकर क्या है इथाइल है, ठीक है, और ये बेंजोफिनोन होता है बेसिकली, ये कुछ इस तरह से बेंजोफिनोन ये होता है बच्चों, ये कुछ इस तरह से ऐसा पीएच, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3 नहीं दिया हो इसलिए नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 डिग्री का अल्कोहल, और 2 डिग्री के अल्कोहल को, 2 डिग्री के अल्कोहल को जब हम पीसीसी का मतलब होता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बेसिकली ये क्या है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये 2 डिग्री के अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री के अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया। अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है HCHO और उसके बाद जो है डायलूट KOH दिया हुआ है, तो आपने नाम सुना होगा एल्डोल रिएक्शन का, किसका एल्डोल रिएक्शन का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों ये जो सी डबल बॉन्ड ओ बना है, मतलब ये जो कीटोन बना है, कीटोन के ठीक बगल में जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हमारा बेस है OH-, ठीक है, तो ये OH- क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के कार्बेनायन बनाता है, फिर ये कार्बेनायन क्या करेगा बच्चों ये जो CH2 डबल बॉन्ड ओ दिया हुआ है इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा,
ठीक है, कहने का लोग कार्बन आयन बनाएंगे हम लोग हर हमेशा लेस रिएक्टिव कंपाउंड से, तो ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेस रिएक्टिव कौन है, तो कीटोन, और एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव है, तो इसीलिए कार्बन आयन बनेगा कीटोन का, और कीटोन का कार्बन आयन बनाकर हम उसको अटैक कहाँ पर करवाएंगे, उसको हम अटैक करवाएंगे एल्डिहाइड वाले पर, ठीक है। तो जैसे ये इस पर अटैक करेगा बच्चों, तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा ओ माइनस के रूप में, बाद में ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ओ एच में। तो आप गौर से आप देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है साइक्लोहेक्सोनोन के ठीक बगल वाले कार्बन पर सी एच टू ओ एच हमें जोड़ देना है। तो सी एच टू ओ एच देखिए केवल एक ही जगह पर जुड़ा हुआ हमें दिख रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों हमसे पूछा गया है कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, किससे क्या पूछा गया है, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए कैनिजारो रिएक्शन जो है डाइल्यूट एन ए, वैसे तो कॉन्सेंट्रेटेड एन ओ एच लिखा हुआ रहता है, बट सिंपली केवल अगर बेस बी लिखा हुआ रहे के ओ एच एन ओ एच, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कंडीशन क्या होता है समझिएगा, कंडीशन ये होता है बच्चों के सी एच ओ के ठीक बगल वाले, सी एच ओ के ठीक बगल वाले कार्बन पर sp3 कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों सी एच ओ के ठीक बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इसको कैनिजारो रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। अब सवाल उठता है क्यों नहीं करेगा, इसीलिए इंटरेस्टिंग है बच्चों। बेसिकली ये क्या है ना, ये जो है आपको बेस के प्रेजेंस में क्लोरो फॉर्म देगा और ये आपको ब्रोमो फॉर्म देगा, मतलब ये दोनों के दोनों जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। कैसे देंगे, तो बच्चों ये जो CCl3 है ना और ये जो CHO है, ठीक है, जैसे OH- माइनस आएगा करेगा, और ये जो CCl3 है ना ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बना हुआ है, तो ये क्या करेगा फटाक से यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे यहाँ से निकलेगा बच्चों तो ये बन जाएगा CCl3-, ठीक है, और ये बन जाएगा HCOOH। अब ये एसिड है तो ये क्या करेगा, कार्बन आयन यहाँ से प्रोटॉन को खींच लेगा और ये आपको क्लोरोफॉर्म देगा, तो ये आपको क्लोरोफॉर्म देगा, ये आपको ब्रोमोफॉर्म देगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर CH3 के ठीक बगल में, CH3 के ठीक बगल में देखिए यहाँ पर बगल वाले sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, तो ये कैनिजारो नहीं देगा, ये एल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये देगा क्लोरोफॉर्म, ये देगा ब्रोमोफॉर्म, और ये देगा एल्डोल रिएक्शन। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है बच्चों कि यहां पर देखिए सी एच ओ है और सी एच ओ के ठीक बगल में जो ये कार्बन है एसपी थ्री कार्बन है, एसपी थ्री कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो इसको देना चाहिए क्या, इसको देना चाहिए कहने का ना, इसको जो है एज ए प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्शन यहाँ पर होना चाहिए नियमानुसार वो होना चाहिए एल्डोल रिएक्शन। लेकिन बच्चों ये एल्डोल रिएक्शन का एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है, हालांकि केमिस्ट्री में कोई कुछ भी एक्सेप्शन होता नहीं है, बेसिकली हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, एक्सप्लानेशन होता है, उसको समझना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर एक्सप्लानेशन की बात नहीं हो पाती है वहाँ पर डायरेक्ट लोग रटने के हिसाब से बोलते हैं इसके एक्सेप्शन है रट लो, नहीं। बेसिकली क्या होता है बच्चों यहाँ पर जो मतलब एल्डोल के हिसाब से, एल्डोल के हिसाब से ओ एच माइनस, ठीक है, ओ एच माइनस क्या करेगा, इस सी एच ओ के ठीक बगल वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये निकालेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये जो कार्बन आयन है ना, ये कार्बन आयन क्या करेगा, इसके दूसरे मोल सी एच थ्री सी एच ओ, ठीक है, के कार्बोनिल पर ये क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। ऐसा ही होता है एल्डोल रिएक्शन में। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर देखिए जो कार्बन आयन बना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन आयन बना है वो 3 डिग्री का है और क्राउडेड है, और क्राउडेड होने के कारण जो है ना इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एल्डोल रिएक्शन बहुत ही कम हो जाता है, समझ गए बात को। तो वैसी स्थिति में क्या है कि एल्डोल से जो इसका मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, तो इसीलिए ये एक ऐसा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अल्फा एच मौजूद है, और अल्फा एच मौजूद होने पर भी ये एल्डोल रिएक्शन ना करके क्या करता है, कैनिजारो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। कहता है कि कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है, तो बच्चों रेडॉक्स भी है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी होता है, और ये बोथ ए एन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली क्या होता है बच्चों कैनिजारो रिएक्शन में, आप जानते हो
कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन होता है, एक ही कंपाउंड का जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के कारण जो है रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, और चूंकि दोनों साथ साथ होते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इन द गिवन रिएक्शन एक्स एंड वाई विल बी रिस्पेक्टिवली, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ये दिया हुआ है बच्चों पीएच सीएचओ दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक कैनिजारो रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होने वाला है समझते हैं। बेसिकली ये H, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है इधर H ले लेते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहला नंबर ये जो बेस है ना, बेस OH माइनस, ये बेस क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो बच्चों ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा एच सी, इधर से OH और इधर से O माइनस, और उसके बाद जो है ये H। अब ये क्या है कि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, दोबारा री अटैक करके यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कार्बन चार बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता है, तो ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से टूट के बाहर निकल जाता है H माइनस के रूप में, ठीक है। और यही H माइनस क्या करता है, इस दूसरे वाले मोलिकूल के कार्बोनिल पर अटैक कर लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बोनिल अटैक करेगा तो बच्चों ये जो C डबल बॉन्ड O है खुलेगा और O माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में PHCH2OH, और दूसरा पहले वाले से हमें क्या मिल गया था, पहले वाले से हमें मिला था HCOH मिल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है इन द गिवन रिएक्शन X विल बी, ठीक है, X विल बी क्या क्या होना चाहिए। बच्चों देखिए ये जो NO2 है ना, बेंजीन रिंग पर जो NO2 लगा हुआ है, ये जिंक HCl के साथ रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करके ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। SnHCl से भी ये NH2 में कन्वर्ट हो जाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों से नहीं हो पाएंगे, जबकि देखिए यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये जो है ऑलरेडी जो है, कहने का मतलब है कि NO2 के रूप में ही बरकरार है, ठीक है। और चूंकि इसको NO2 के रूप में रखना है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है, कैनिजारो रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब कैनिजारो कैसे होगा अभी समझिए, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था HCH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O है, तो ये जो OH माइनस है बच्चों ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड खुलेगा O माइनस के रूप में, ये दोबारा रीअटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ के निकालेगा हाइड्राइड आयन के रूप में। अब ये जो हाइड्राइड आयन है ना, ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है खुलेगा और ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, तो कहने का मतलब ये तो मिलेगा ही और साथ ही साथ इसके साथ साथ मिलेगा HCOH भी मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, कहने का मतलब इस रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कैनिजारो रिएक्शन फॉलो करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बात करते हैं। कहता है कि एसीटल डिहाइड मतलब आप समझते हैं ये CH3 है और ये CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है। एसीटल डिहाइड को आपको इस वाले में कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एसीटल डिहाइड को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो बोलता है कैसे आप करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर HCH, ठीक है, और डबल बॉन्ड O ले लें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बेस लेते हैं यहाँ से, तो बेस क्या करेगा बच्चों, यहाँ से देखिए सबसे पहला नंबर क्या होगा कि ये जो CHO के ठीक बगल वाला sp3 कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और CH2- बनाएगा। अब ये जो CH2- है बच्चों ये क्या करेगा, इस फॉर्मल डिहाइल पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद देखिए ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा। तो ये बनाएगा बच्चों क्या, CH2, और ये CHO तो रह गया, ठीक है, और ये जो है जहाँ पर अटैक किया ये बन गया CH2 और O- और O- को प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये बनाएगा CH2OH, ठीक है। फिर से दूसरा मोल जब OH- का यूज होगा तो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन निकालेगा, फिर से हाइड्रोजन निकालेगा, तो जब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो फिर से वैसे ही कार्बेनाइन बनाएगा, और कार्बेनाइन फिर से फॉर्मल डिहाइड पर दोबारा अटैक करेगा तो बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH2OH से, समझ में आई बात। फिर तीसरी बार फिर से ये CH2OH में रिप्लेस होगा, और चौथी बार में क्या होगा,
चूंकि इसके पास सारे के सारे अल्फा एच यहां से समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे अल्फा एच यहां से समाप्त हो जाएंगे, तो अब क्या होगा कि ये जो एच सी ओ और एच दिया हुआ है, अब इसके ऊपर बच्चों कैनिजारो रिएक्शन होगा। क्या होगा? कैनिजारो रिएक्शन होगा। तो कैनिजारो में क्या होगा, तो ओ एच माइनस जो है यहां से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा, ये वाला बोन खुलेगा ओ माइनस के रूप में, ये दोबारा रीअटैक करेगा और हाइड्राइड आयन बनाएगा, ठीक है, एच माइनस। अब ये एच माइनस क्या करेगा बच्चों, इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इस कार्बोनिल पर अटैक करके यहां से ये बॉन्ड खुलेगा और सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में देखिए एक प्रकार से एल्डोल भी हुआ है और कैनिजारो भी हुआ है, ठीक है, एल्डोल भी हुआ है और कैनिजारो भी हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन इज गिवन बाय, बच्चों बेंजोइन कंडेंसेशन जो है बेंजल डिहाइड के द्वारा होता है, ठीक है, बेंजल डिहाइड के द्वारा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है और आप जानते भी होंगे, ठीक है, आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 67 में फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड का मतलब आप समझ रहे हैं, फॉर्मल डिहाइड का मतलब है एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, जब ये सी एच ओ के साथ सी ए ओ एच के साथ या बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बी ए ओ एच के साथ किसी के साथ भी आप इसको 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दीजिए रिएक्शन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो है फार्मोज बनाते हैं, फॉर्मोज नहीं फार्मोज बनाता है, जिसका कि मोलिकुलर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये आपको मेमोरी बेस्ड रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मल डिहाइड का जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है, इसको हम लोग फार्मोज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में बच्चों फॉर्मल डिहाइड का ही दिया है, कहता है पॉलीमर बनाता है, तो फॉर्मल डिहाइड बच्चों फिनॉल के साथ भी बनाता है और यूरिया के साथ भी बनाता है। फिनॉल के साथ जो इसका पॉलीमर बनता है उसका नाम होता है बैकेलाइट, क्या होता है, बैकेलाइट, और इसके साथ जो बनाता है बच्चों उसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन, क्या बोलते हैं, यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन बोलते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा जो है फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में बच्चों रिएक्ट विद द अमोनिया, ठीक है, फॉर्मल डिहाइड के बारे में बोला गया है CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो कहता है कि क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी रिजल्ट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे रिजल्ट जो है रिएक्शन के दरमियान मिलते हैं, बोले तो हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट के दरमियान मिलते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो ये NH3 है ना बच्चों, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये मैकेनिज्म इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन भी देखिए वही है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर, ठीक है, कहता है जब आप ये वाला कंपाउंड बना रहे होंगे ये वाला, तो आपको बीच बीच में क्या क्या मिला है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको इसके बारे में। ये NH3 बच्चों ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, तो जब ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, ठीक है, O माइनस, और O माइनस क्या करेगा, यहीं से हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये बनाएगा बच्चों CH2 NH2 हो जाएगा और ये OH बनाएगा, समझ में आई बात। फिर बाद में इसका डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के बाद जो है ये बनाएगा बच्चों CH2 NH, ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और ये जो CH2 NH2 OH जो NH2 CH2 OH जो है बच्चों, यही इसके जो है तीन मेंबर जो है मिलकर साइक्लाइजेशन रिएक्शन करते हैं, और जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, समझ में आई बात, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, और फिर बाद में ये डिहाइड्रेशन वगैरह करके जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी बनाते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको जो है इंटरमीडिएट के रूप में मिलेंगे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो होता है बच्चों ये होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझना चाहिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर बच्चों यहाँ भी नाइट्रोजन लगाएंगे, ऐसा एक नाइट्रोजन बीच में भी होता है, और यहाँ पर बच्चों CH2 ऐसा CH2 और ये ऐसा और CH2 और ऐसा, ठीक है।
तो देखिए हेक्सामिथाइलिन एक दो तीन, ठीक है। तो टोटल सिक्स कार्बन आपको दिख रहा है और हर नाइट्रोजन के बीच में एक मिथाइल ग्रुप फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये छह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए हेक्सामिथाइलिन हो गया। और यहां पर देखिए बच्चों नाइट्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार, समझ गए बात को। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा एमीन हेक्सामिथाइलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूरोट्रोपिन, क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। इसी के साथ साथ हमने आपको 70 भी समझा दिया। इसमें हमसे बोला गया है कि बताइए क्या मतलब इंटरमीडिएट में आपको क्या मिलेगा, तो ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों ये भी मिलता है साइक्लाइजेशन करके, इसके साथ साथ एक और भी मिलता है जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था, CH2NH2, ठीक है, और OH, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में बच्चों एसिटल डीहाइड रिएक्ट विद द अमोनिया। देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। वहां पर बच्चों देखिए फॉर्मल डीहाइड दिया हुआ था, ठीक है, फॉर्मल डीहाइड दिया हुआ था। इसके 6 मोल जो है अमोनिया के साथ, 4 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर फाइनली जो है आपको ये वाला कंपाउंड यूरोट्रोपिन मिलता है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी वैसे ही होता है, एसिटल डीहाइड दिया हुआ है, फॉर्मल डीहाइड के जगह पर क्या दिया हुआ है, एसिटल दिया डीहाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके भी हम 6 मोल लेंगे और साथ ही साथ जो है 4 मोल ऑफ अमोनिया लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है कि एक साइक्लाइजेशन करके आपको एक प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कैसे, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल डीहाइड कुछ ऐसे बनाता है, ठीक है, यहां नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन और यहां कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा सिखाया था। अब इसमें क्या है कि जैसे वहां पर क्या है फॉर्मल डीहाइड था तो यहां पर देखिए बीच में मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर क्या है कि बस एसिटल डीहाइड है तो मिथाइल के जगह पर जो है देखिए यहां पर क्या है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम वे में आप ध्यान रख सकते हैं इसको, उसी के जैसा जो है साइक्लाइजेशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और वो क्या है कि टेट्रा एमीन के फॉर्म में होता है, ये केवल साइक्लाइजेशन करता है और साइक्लाइजेशन करके और आपको इस तरह से यहाँ पर एक मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ एक मिथाइल लगा दीजिए और यहाँ एक मिथाइल लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ध्यान रखना है आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 72 में बच्चों देखिए ये दिया हुआ है एसीटोन, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम डिस्टिलेशन करते हैं एसीटोन का तो ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ऐसा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं 1,3,5 ट्राइमिथाइल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अब सवाल तो है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया आपको दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसको आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पर CH3 लिखना है और इधर CH3 लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ CH3 लिख देना है, ठीक है, यहाँ कार्बन, इधर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर CH3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर CH3, ठीक है, और इधर भी CH3, ठीक है। देखिए आप गौर से अगर देखिए तो मैंने एसीटोन को ही थोड़ा सा साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दिया है। बेसिकली इसके 3 मोल यूज में लिए जाते हैं और ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन करता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो CH3 हमने लिखा है यहाँ से आपको CH2 निकाल लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से H2 निकालेंगे और यहाँ से O निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर भी इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से जब आप यहाँ से भी डिहाइड्रेशन करेंगे, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालेंगे तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लाइजेशन करता है डिहाइड्रेशन के बाद और ये फाइनली जो है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बनाते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, शायद मिसिटिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 बच्चों, ये जो है ये एक एल्डोल रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो OH माइनस दिया हुआ है, ये जो OH माइनस है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O है, उसके ठीक बगल वाला sp3 कार्बन यही है, तो ये OH माइनस क्या करेगा, सबसे पहला नंबर यहीं से हाइड्रोजन को निकालेगा, बनाएगा कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, इसी का जो दूसरा मोल होगा, चलो हम लिखते हैं दूसरा मोल, ठीक है, इसी का जो दूसरा मोल होगा, तो ये कार्बन आयन क्या करेगा बच्चों, इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा। जब ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा O माइनस के रूप में, और फिर फाइनली जो है ये वाटर से हाइड्रोजन लेकर OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, पहला जो रिंग है उसके दूसरे कार्बन, उसके दूसरे कार्बन पर कार्बन आयन ने अटैक किया, किस पर, दूसरे वाले कार्बन के, है ना, यहां पर देखिए 1 1 2, ठीक है, दूसरे वाले रिंग के दूसरे वाले कार्बन पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहला नंबर पहचानिए, ये देखिए हमारा पहला रिंग है, ठीक है, और यहां पर कार्बन आयन बना हुआ था, ठीक है, और ये हमारा देखिए बच्चों दूसरा रिंग है, और यहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा था, ठीक है, देखिए 1 2। अब ये कार्बन आयन क्या किया है, इस वाले कार्बन पर अटैक किया है, और ये बॉन्ड खुला है O माइनस, और OH के रूप में कन्वर्ट हो गया है, समझ में आई बात। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो और ये जो रिएक्शन था बच्चों, ये था एल्डोल रिएक्शन पर आधारित, ठीक है। 10% NaOH देने का मतलब यह हो गया कि OH माइनस 10 है, बाकी जो है डाइल्यूट है, तो एक प्रकार से हम इसको डाइल्यूट NaOH भी बोल सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीटिंग भी दिया हुआ है, ठीक है, हीटिंग भी दिया हुआ है, और हीटिंग के बाद जो है क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन करके अल्कीन भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो है हीटिंग जो किया गया है वो बहुत ही कम टेम्परेचर में है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई भी ऑप्शन में देखिए आपको अल्कीन प्रोडक्ट बनाकर नहीं दिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर जो है केवल एल्डोल बनाना है। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, देखिए एल्डोल जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल ऑल से, समझ में आई बात। तो ये एल्डिहाइड और ऑल, तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड भी है बच्चों और इधर OH भी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 73 तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन जो है 73 तक ही करेंगे, और 73 के आगे का सॉल्यूशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, हेल्प मिल रहा होगा, कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर बोला करें, समझ के बात को, ठीक है।